अलकनंदा मंदिर एक साउथ राजस्थान का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, जो कि अलग अलग विभागों में सेवाएं प्रदान करता है। हमारे यहाँ पर आधुनिकतम मशीनें और लेज़र्स और थिएटर्स हैं, और ये ऑपरेशन थिएटर्स आज की तारीख में पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट ऑपरेशन थिएटर्स हैं। हमारे पास में कई सारे आँखों में डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फेको सर्जरी है, फेको में हमारे पास लेटेस्ट फेको मशीन्स हैं, जो कि हम मिनिमम इंसीजन से विदाउट एनेस्थीजिया विदाउट एनी इंजेक्शन सर्जरीज करते हैं, जिसको टॉपिकल एनेस्थीजिया कहा जाता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, विट्रियो रेटिनल सर्जरी, ऑक्यूलोप्लास्टी, यूविया, कॉर्निया, ग्लोकोमा और कम्युनिटी ऑप्थनोलॉजी, ये सब सर्विसेज हम यहाँ प्रदान करते हैं। अलकनंदा मंदिर में जैसा ये देखते हैं, हमारे यहाँ लेज़र मशीन है चश्मे के नंबर हटाने के लिए, इसको लैसिक लेज़र मशीन कहा जाता है। ये जर्मनी से बनी हुई आधुनिक मशीन है, जिससे कि चश्मे के नंबर हट जाते हैं, करीब -7 तक के नंबर हटा दिए जाते हैं इससे। इसके अलावा हमारा जो अलकनंदा आई हॉस्पिटल है, ये काफ़ी कम्युनिटी आई सर्विसेज देता है। हमारे यहाँ 50% काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्डिंग नहीं है, उनके लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। इस अस्पताल से कोई भी मरीज पैसों के अभाव में अस्पताल के दरवाजे से वापस से बाहर नहीं जाता है। अगर वो गरीब है और पैसा नहीं है तो भी उसका इलाज यहाँ होता है। प्लस हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, जैसे जो पेशेंट नॉर्मल अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं हमारे जैसे, वो जो हमारी ऑपरेशन थिएटर की लिस्ट है उस हिसाब से वो पे करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो उतना भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम सब्सिडाइज कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि हम हमारी सर्जरी की फ़ीस और ऑप्टिकल ऑपरेशन की फ़ीस नहीं लेते हैं। उसमें जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल कॉस्ट और जो हमारे अंदर मशीन के अंदर जो और सामान लगते हैं, प्लस लेंसेज के और दूसरे खर्चे दवाइयों के, वो हम लेके सब्सिडाइज कैटेगरी में हम ऑपरेशन करते हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारे यहाँ है, जो मरीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चाहे वो गवर्नमेंट के चिरंजीवी में हो या भामाशाह में हो, उससे हमको उनका तो करते ही हैं। उसके अलावा अगर किसी का ये कार्ड नहीं बना हुआ है और हमको लगता है कि ये गरीब है, इतना पैसा नहीं दे सकता है, तो उसका भी निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। तो पिछले ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हमको ये सर्विसेज देते हुए। हमने करीब 75,000 के लगभग निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन कर चुके हैं, और 6,00,000 मरीजों की निःशुल्क हमने आँखों की जाँच हम कर चुके हैं। और निरंतर अब ये नया हॉस्पिटल हमने बनाया है, जो कि साउथर्न राजस्थान का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, तो इसमें और ज़्यादा हम चैरिटी वर्क का काम, स्पेशलाइजेशन का काम और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हो, प्रदान हो मेवाड़ के लोगों का। तो हमारा ये मिशन है कि हम मेवाड़ को अन्नता मुक्त करें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे बूरी भाई की जो हमारे गुरु माँ हैं, हमारे आदर्श हैं, उनकी कृपा है, और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हम और आगे सेवा का काम निरंतर करते रहेंगे। एक मुख्य कार्यक्रम जो अलकनंदा मंदिर का है, वह है हमारा ग्रामीण नेत्र चिकित्सा कार्यक्रम, या जो जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी आई केयर प्रोग्राम्स। उसमें हमारा मुख्य ध्येय ये रहता है कि हम उसके द्वारा उस वर्ग तक पहुंच सकें जो हम तक पैसों के अभाव में या किसी और अभाव के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। इसके तहत हम बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं गांव में, साल के करीब 300-400 कैंप्स लगते हैं, और उन कैंप्स के माध्यम से, ये जो फ्री आई चेकअप कैंप्स होते हैं उनके माध्यम से, हम मरीजों को, जो सिलेक्टेड मरीज होते हैं, उनको यहाँ लेकर बेस हॉस्पिटल में आते हैं। बेस हॉस्पिटल में उनकी उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी केयर करी जाती है, जिसमें चाहे उनको सर्जरी की आवश्यकता हो, चाहे किसी और प्रकार के केयर या डायग्नोस्टिक की ज़रूरत हो, वो उनको उपलब्ध कराई जाती है। कैंप्स के अलावा हमारे कुछ फिक्स्ड सेंटर्स हैं करीब 12 गाँवों में, जिनमें से कि एक नाथद्वारा में है और एक चित्तौड़ में है, बाकी सभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और 2 डूंगरपुर एरिया में है। इन 12 गांवों में हमने फिक्स सेंटर्स करे हुए हैं, वहाँ क्वालिफाइड टीम रहती है जो बेसिक आई केयर पेशेंट्स को उसी जगह पे कम खर्चे में या बिल्कुल बिना खर्चे के उपलब्ध करा सके। कारण क्या होता है कि कभी कभी गांव के व्यक्ति को जब एक छोटी सी आँख की बीमारी के लिए शहर तक आना होता है, तो उसके पूरे दिन की जो मजदूरी या जो भी वो काम करते हैं वो छोड़ के आते हैं, तो उस दिन की उनकी कमाई रुकती है। हॉस्पिटल आने पर शहर के हॉस्पिटल में जो ज़्यादा खर्चे उनके होते हैं, वह खर्चा और बढ़ जाता है। साथ ही चश्मा यहाँ से खरीदना और फिर चश्मा वापस यहाँ से पिकअप करने के लिए आना, इसमें उनके बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल तैयार किया गया है, और इन गाँवों के सेंटर्स को हम बोलते हैं विजन सेंटर्स,
तो बेसिक विजन हम पेशेंट को दे सकें इस उद्देश्य के साथ में कम खर्चे में या बिल्कुल नहीं खर्चे के साथ में पेशेंट को चिकित्सा सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। फिर एक मुख्य कार्यक्रम अलख नयन मंदिर का है, उसके अंदर हम टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड अलख नयन मंदिर एक पीजी लेवल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और पूरे देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग रीजन से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने MBBS करा हुआ है, वो DNB इन ऑप्थल्मोलॉजी यानी PG करने के लिए यहाँ पर आते हैं। साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है उसके तहत हम राजस्थान के पहले आए हॉस्पिटल हैं जिसमें ऑलरेडी इन सर्विस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको हम एडवांस्ड फेको ट्रेनिंग और एडवांस्ड SICS ट्रेनिंग देते हैं। हॉस्पिटल यहाँ पे मैं ऑपरेशन करवा आया है गाम थोबा जारोल तहसील रहा, यहाँ पे बढ़िया ऑपरेशन हुआ है।